नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। JLC टॉप 50 IAS एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील राठौर। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांतों की चर्चा की थी, साथ में पृथ्वी के संदर्भ में कुछ रूपरेखा या फिर पृथ्वी के सामान्य परिचय के रूप में कुछ बातों को जाना था, जैसे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल क्या है, परिक्रमण काल क्या है। तो इसी संदर्भ में हमने सामान्य परिचय के अंतर्गत जाना था। फिर वहीं हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातों को जाना था, जहाँ पर हमने आरंभिक विचारधारा के अंतर्गत थेल्स, एनैक्सिमेनिस, पाइथागोरस और हेराक्लिटस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या बताया पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में। और आज हम जानेंगे आधुनिक संकल्पना या आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत द्वैतवादी और अद्वैतवादी, जहां हमने कल की क्लास में अद्वैतवादी के अंतर्गत कांट और लाप्लास को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत द्वैतवादी संकल्पना क्या कहती है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की, और वहां पर हम देखेंगे अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत। एक चार्ट फिर से बनाते हैं ताकि आपको रिकॉल हो पाए। जैसे कि हमने देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति आरंभिक विचारधारा या आरंभिक संकल्पना भी कह सकते हैं, और एक आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा को दो वर्गों में वर्गीकृत किया था, जहां पहला वर्ग अद्वैतवादी संकल्पना, तो वही दूसरा वर्ग द्वैतवादी संकल्पना। हम कल के वीडियो में जान चुके थे कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी में क्या अंतर संबंध होता है, या दोनों एक दूसरे से किस रूप में भिन्न है। जहां हमने अद्वैतवादी के अंतर्गत कांट और लाप्लास की संकल्पना के बारे में जाना था। कांट की संकल्पना, जिसे हमने कहा था कि कांट की संकल्पना को वायव्य राशि, जबकि लाप्लास की संकल्पना तो कहा था हमने निहारिका, निहारिका संकल्पना। क्लियर है दोस्तों? और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कौन कौन सी संकल्पना है। इसके अंतर्गत हम तीन प्रमुख संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जहां चैम्बरलिन एवं मोल्टेन, चैम्बरलिन एंड मोल्टेन का या कि ग्रहाणु संकल्पना। फिर दूसरे वर्ग में जानेंगे जो होगा आपका जेम्स एंड जेफरी, जेम्स एंड जेफरी का ग्रहाणु, सॉरी, जेम्स और जेफरी का ज्वारीय, ज्वारीय संकल्पना। क्लियर है? और तीसरे वर्ग में, जैसे कि पहला ही हो जाएगा दूसरा, और वही हम देखेंगे तीसरे वर्ग के रूप में रसेल की संकल्पना। क्लियर है दोस्तों? तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों की संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने तीनों ने किस बारे में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे को बतलाया, या पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बतलाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। चैम्बरलिन एवं मोल्टेन, चैम्बरलिन एवं मोल्टेन का ग्रहाणु संकल्पना।
अब यह संकल्पना कब प्रतिपादित की गई? 1905, 1905 में। कहीं कहीं बुक्स में आपको 1900 मिलेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1905 में चैम्बरलिन एवं मोल्टेन की ग्रहाणु संकल्पना, जो कब प्रतिपादित की गई, 1905 में। अब इस संकल्पना में क्या कहा गया, वही हमें ध्यान देना है, क्योंकि द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। द्वैतवादी, इसका मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दो पिंड या दो वस्तु से हुई है। तो यहां पर हम जानेंगे, इन्होंने कहा कि एक सूर्य है, जबकि एक अन्य साथी तारा है। हम स्टार बना देते हैं, क्लियर है। सूर्य तथा एक अन्य साथी तारा, जो ये साथी तारा जब सूर्य के समीप से होकर गुजरता है, तो सूर्य के कुछ कण टूटकर अलग हो जाते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहा, जब साथी तारा सूर्य के समीप से होकर गुजरता है तो सूर्य के कुछ कण टूटकर अलग हो जाते हैं। यही बाद में आगे जाकर अगला ही चार्ट में आप देख सकते हैं, जब सूर्य के पास से गुजरेंगे तो सूर्य में कैसा होगा, या तो इस रूप में एक कण टूटकर अलग हो जाएंगे, ये टूटकर अलग हो जाएंगे, फिर बाद में यही कण अलग होकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? जब यही सूर्य के अवशेष शीतलित होकर ठंडे होकर ग्रहों का रूप धारण कर लेंगे और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आसपास इसके चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, इसी रूप में किसकी उत्पत्ति होगी, ग्रहों की उत्पत्ति। और ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण क्या बतलाया चैम्बरलिन और मोल्टेन ने, इन्होंने कहा कि सूर्य के समीप जब साथी तारा गुजरता है तो उससे कुछ अवशेष टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे जो सूर्य के चारों परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं उसी से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब सूर्य से टूटकर अलग हुए भागों के शीतलन की प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण होता है। ये किसने बतलाया? चैम्बरलिन और मोल्टेन ने। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे चलेंगे कि इन्होंने तो सिर्फ बतला दिया 1905 में ग्रहाणु संकल्पना के अंतर्गत सूर्य की उत्पत्ति, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जेम्स जिन्स और जेफरी। जेम्स जिन्स और जेफरी, इन दोनों ने जो संकल्पना दी है उस संकल्पना को कहा जाता है ज्वारीय संकल्पना। सन आपको याद रखता है, जेम्स जिन्स 1990 में देंगे, जबकि इसमें संशोधन करेंगे जेफरी 1929 में। क्लियर है? संशोधन कौन करेंगे? जेफरी। किसमें? ज्वारी संकल्पना में। अब ज्वारी संकल्पना पहले एक बात ये समझ लीजिए, ज्वार क्या होता है? ज्वार जली भूभाग का या जली सतह का या फिर सतह का ऊपर उठना, उसे ज्वार कहा जाता है। भाटा उसी जल स्तर का गिरना भाटा कहलाता है। तो ज्वार वहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अगर मान लिया जाए, जैसे कि आपका ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की चारों ओर सतह जल से घिरी हुई माना है, जैसे न्यूटन ने कहा है। न्यूटन ने यही कहा है ज्वारी उद्भेदन के संदर्भ में कि पृथ्वी की पूरी सतह जल से घिरी हुई है, और यदि इस पर किसी अन्य पिंड के आकर्षण बल का प्रभाव लगता है तो यहाँ पर ज्वारी उद्भेदन, यहां पर क्या होगा, ज्वारीय उद्भेदन। ज्वारीय उद्भेदन, ये ज्वारीय उद्भेदन किस कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, अन्य ग्रहों के आकर्षण बल से, या ग्रह नहीं कह सकते तो आप ये भी कह सकते हैं अन्य पिंडों के आकर्षण बल से। अन्य पिंडों के आकर्षण बल से ज्वारीय उद्भेदन हो रहा है। अब यही ज्वारीय उद्भेदन का सिद्धांत कहां पर लागू किया जा रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में। अब यहां पे क्या कहते हैं, अब यह बात तो अलग हो गई आपकी कि ज्वारीय उद्भेदन पृथ्वी के संदर्भ में कैसे ज्वारीय उद्भेदन होता है, तो यह अलग बात हो गई। अब हमें पढ़ना है ज्वारीय संकल्पना क्या होता है। ज्वारीय संकल्पना के अंतर्गत जेम्स जिन्स 1919 में क्या कहते हैं कि सूर्य एक संरचना और एक अन्य साथी तारा
क्या हो जाएगा आपका, एक अन्य साथी तारा, इसका कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जब यह साथी तारा सूर्य की सतह के करीब से होकर गुजरता है, क्लियर है, सूर्य की सतह से करीब से होकर गुजरता है, तो इसमें ज्वारी उद्भेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये क्या होगा, ज्वारी उद्भेदन। ज्वारी उद्भेदन से आगे चलकर यही सूर्य कैसा बन जाएगा आपका, इस सूर्य से ज्वारी उद्भेदन के कारण यह छल्ले टूटकर अलग हो जाएंगे। क्लियर हुआ, इसे कहा जाता है इनको सभी को छल्ले, या इसी को आप कह सकते हैं तंतु, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है फिलामेंट। क्लियर है, फिलामेंट, तंतु या छल्ले सूर्य से टूटकर अलग हो जाते हैं क्योंकि साथी तारा इससे होकर गुजर रहा है। अब साथी तारा जब गुजर रहा है, अब साथी तारा कहाँ चुका है, माना कि यहाँ पर आ चुका है, एक डायग्राम ये हो गया, दूसरा डायग्राम ये। जब साथी तारा इसके समीप से होकर गुजरता है तो इसमें ज्वारी उद्भेदन, ये क्या हो रहा है आपका, ये ज्वारी उद्भेदन। ज्वारी उद्भेदन के उपरांत हमें छल्ले प्राप्त होंगे जिसे आप तंतु या फिलामेंट कह सकते हैं। ये तंतु या फिलामेंट ठंडे होकर ग्रहों में परिवर्तित हो जाते हैं और सूर्य के चारों ओर क्या करना लगते हैं, परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से सौरमंडल की उत्पत्ति का कारण भी बतला देते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, तो एक बार और देख लीजिएगा, जेम्स जिन्स और जेफरी ने क्या कहा ज्वारी संकल्पना के अंतर्गत। सबसे पहले जेम्स जिन्स कहते हैं 1919 में कि एक सूर्य तथा उसका साथी तारा, जब साथी तारा सूर्य के करीब से होकर गुजरता है तो उस सूर्य में, सूर्य की सतह पर ज्वारी उद्भेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। ज्वारी उद्भेदन के उपरांत छल्ले टूटकर अलग हो जाते हैं जिसे आप तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यही शीतलन की प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये तो आपका जेम्स जिन्स ने कहा। फिर ये जेफरी क्या कहते हैं, जेफरी में इसमें संशोधन करते हुए इसी बात को रिपीट किया कि क्या कहा इन्होंने 1929 में, जब साथी तारा सूर्य के करीब से गुजरता है तो ये जो तंतु है ये अलग तो हो गए, फिर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, जेफरी ने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया, जो टूटे हुए तंतु है, क्या कहा, टूटे हुए तंतु। एक काम करते हैं, हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि जेफरी ने क्या संशोधन किया इसमें, देखिएगा आप लोग। जेफरी ने क्या कहा, जैसे आपका यह सूर्य है, सूर्य में क्या हुआ था, ज्वारी उद्भेदन, ज्वारी उद्भेदन होगा, क्लियर हुआ दोस्तों, ज्वारी उद्भेदन। अब ज्वारी उद्भेदन के उपरांत यह पिंड टूटकर अलग हो जाएंगे, क्लियर है, कई संख्या में टूटकर अलग होंगे, ये आपस में घनीभूत होकर या आपस में जुड़कर संयुक्त होकर ये सारे छल्ले, ये क्या आपके तंतु है, तंतु या फिलामेंट, ये फिलामेंट आपस में संयुक्त होकर ग्रह का निर्माण करते हैं। बस इसी नए शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि संयुक्त होकर ये सभी तंतु या फिलामेंट संयुक्त होकर ग्रह का निर्माण करते हैं, तत्पश्चात यही ग्रह, जो ग्रह का निर्माण हो जाता है, यही ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ग्रह तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है, तो जेफरी ने 1929 में संशोधन किया और संशोधन करके अपनी बात बतलाई। क्लियर हुआ, और क्या कहा, ज्वारी उद्भेदन के उपरांत जो तंतु या फिलामेंट प्राप्त होते हैं वह संयुक्त तो होकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो यह था आपका जेफरी का संशोधन जेम्स जिन्स की संकल्पना पर, जो और पूरी संकल्पना क्या है, ज्वारी संकल्पना, क्योंकि ज्वारी उद्भेदन से इसका निर्माण हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं जहां पर हमें चर्चा करना है, रसेल का तीसरे क्रम पर हम देखेंगे, रसेल का द्वे तारक संकल्पना, द्वे तारक संकल्पना। अब इसी शब्द से स्पष्ट हो जाएगा, द्वे तारक इसका मतलब दो तारे, क्लियर हुआ, दो तारे कौन कौन से, एक हो जाएगा साथी तारा
और एक अन्य विशाल तारा, अन्य विशाल तारा। क्लियर है, एक अन्य विशाल तारा, एक साथ ही तारा। तो हम एक मैप इधर देखेंगे, यहां पे देखिएगा आप, जैसे कि यह आपका सन है, सन के पास में एक साथी तारा है, यह हो जाएगा आपका साथी तारा, और एक अन्य विशाल तारा, एक हो जाएगा अन्य अन्य विशाल तारा। जब अन्य विशाल तारा है, दोनों की आकृति की बात करें तो आकार किसका बड़ा है, अन्य विशाल तारे का, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अधिक होगा इसकी तुलना में, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसका तो कम होगा, विशाल तारे की तुलना में साथी तारे का ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों की तुलनात्मक करना है हमें, तुलना करना है, साथी तारे का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा जबकि विशाल तारे का ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा। अब क्या हुआ, ये साथी तारा इस दिशा में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा नहीं कर रहा तो इसकी दिशा दूसरी डायरेक्शन में, उसी के जस्ट विपरीत दिशा में एक विशाल तारा गति करता है या फिर संचलित होता है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तब ये विशाल तारा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होने के कारण साथी तारे से कुछ अवशेष टूटकर अलग हो जाएंगे, इससे कुछ अवशेष टूटकर अलग हो जाएंगे, यही अवशेष संयुक्त होकर ग्रह का निर्माण करेंगे, संयुक्त होकर ग्रह का निर्माण करेंगे, और यही ग्रह जो विशाल तारा जिस दिशा में गति कर रहा था उसी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देता है। जैसे साथी तारा आपका इस दिशा में गति कर रहा था, सॉरी एक विशाल तारा की दिशा क्या थी, सूर्य की इस दिशा में, अब क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉक हो सकती है, लेकिन इतना पता है कि साथी तारे के विपरीत दिशा में गति कर रहा था, कौन, अन्य विशाल तारा। जब ये अन्य विशाल तारा साथी तारे के विपरीत दिशा में गति करता है तो साथी तारे के कण टूटकर अलग हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपके अन्य विशाल तारा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक है, तो इससे अंश टूटकर अलग होंगे जो संयुक्त होकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा शुरू कर देते हैं, विशेष उसी से ही ग्रहों की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है दोस्तों, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, रसेल का द्वितारक, द्वितारक का मतलब दो तारा, एक साथी तारा एक अन्य विशाल तारा है, साथी तारा का गुरुत्वाकर्षण बल कम है जबकि अन्य विशाल तारे का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण जब अन्य विशाल तारा साथी तारे के करीब से होकर गुजरता है तो साथी तारे की दिशा और अन्य विशाल तारे दोनों की विपरीत दिशा में संचलित करती हैं। अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो विशाल तारा इस दिशा में गति करेगा जिसके कारण एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित करेंगे। जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा वह अन्य तारों के सतह से पिंडों को तोड़ देगा, तोड़ने के उपरांत जो हमें पिंडी संरचना प्राप्त होगी वह संयुक्त होकर ग्रहों का निर्माण करेंगे और यही ग्रह सूर्य के चारों ओर उसी दिशा में परिक्रमा करेंगे जिस दिशा में आपका विशाल तारा परिक्रमा कर रहा था। क्लियर है दोस्तों, तो ऐसे आपका रसेल का द्वितारक संकल्पना बतलाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, दो तारों से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनके सिद्धांत को द्वितारक संकल्पना कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए आज की क्लास में, जैसे कि हमने देखा चैम्बरलिन और मोल्टेन की ग्रहाणु संकल्पना, जेम्स जेफरी का ज्वारी संकल्पना, और रसेल की कौन सी संकल्पना हो जाएगी, द्वे तारक संकल्पना। क्लियर है दोस्तों, तो इन संकल्पनाओं के आधार पर हम बतला सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति में आधुनिक विचारधारा या आधुनिक संकल्पना के अंतर्गत कैसे हुई है या कौन से वैज्ञानिकों ने क्या अपना सिद्धांत दिया है। क्लियर दोस्तों, तो आज हम वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे और इसी टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। कल लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या प्रमाण दिया गया है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल मिलेंगे इसी समय और आप देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना काफ़ी अच्छा टॉपिक मुख्य परीक्षा तथा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्धारक कारक कौन से हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।